विद्या दे मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। पैराथायरॉयड ग्लैंड के एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम थायरॉयड ग्लैंड जो है इसका पोजीशन हम देख रहे हैं। देखिए, ये जो है हमारा जो नेक है उसमें थायरॉयड ग्लैंड, और यहाँ पे भी आप देखिए ये जो फिगर है इसमें भी हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में थायरॉयड ग्लैंड, और थायरॉयड ग्लैंड जो है इसमें राइट लोब, ये जो है राइट लोब ये वाला, ठीक है, और ये है लेफ्ट लोब। अब ये जो थायरॉयड ग्लैंड जो हम देख रहे हैं, ठीक है, इसी के पीछे यानी जब हम इसका जो पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, है ना, पीछे वाला जो व्यू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमको ये दो लोब दिखा दिए हैं, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के। और इसमें देखिए आप ये जो नाम लिखा है, जैसे कि ये जो है राइट लोब है थायरॉयड ग्लैंड का, तो इसमें आप देखेंगे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये एक हुआ, ठीक है, फिर जो नीचे वाली जो है उसको कहते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये एक हो गई, यानी ये दो हुए। और जब हम लेफ्ट लोब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये है लेफ्ट लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ये वाला, तो इसमें भी आप देखेंगे सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये वाली ऊपर वाली, और इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये जो है नीचे वाली। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो थायरॉयड ग्लैंड लेफ्ट और राइट के जो लोब हैं उनकी पोस्टीरियर सरफेस पे चार पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है, ये एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है, ये लोकेशन है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, तो आज का जो लेक्चर है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक तो डिस्क्राइब लोकेशन पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है, हिस्टोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, और हार्मोन जो है चलो वो भी देख लेंगे कौन से हार्मोन है, लेकिन फंक्शन जो हैं, ठीक है, हार्मोन के जो फंक्शन हैं वो इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी हम लोकेशन, हिस्टोलॉजी और कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया कि थायरॉयड ग्लैंड जो है उसका राइट और लेफ्ट जो लेटरल लोब्स हैं उसके पीछे यानी कि पोस्टेरियर जो सरफेस है उसमें जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, स्मॉल राउंड मासेस ऑफ टिश्यू, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड उसके पोस्टीरियर सरफेस पे स्मॉल राउंड मासेस ऑफ टिश्यू जो पाए जाते हैं, जिनकी सामान्यतः संख्या जो है चार होती है, इनको पैरा थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ पे पैरा का मतलब होता है बिसाइड, ठीक है। अच्छा, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है, तो हर एक पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो मास है, ठीक है, जो चार जो हमने देखे, तो उनका जो मास होता है वो होता है 40 मिलीग्राम यानी कि 0.04 ग्राम जितना, ठीक है। फिर सामान्य तौर पे क्या होता है, वन सुपीरियर वन इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड आर अटैच टू ईच थायरॉयड लोब, जो हमने फिगर में देखा, फॉर अ टोटल ऑफ फोर। इस तरह से इनका जो टोटल है वो चार बनता है, चार पैराथायरॉयड, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली जब हम पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको स्टेन करके अंडर माइक्रोस्कोप उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इसमें दो प्रकार के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ऐसे एपिथेलियल सेल जिनकी संख्या ज़्यादा है वो क्या होते हैं, तो पैराथायरॉयड में ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो होते हैं चीप सेल, या तो उन्हें प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं,
और ये चीफ सेल या तो जो प्रिंसिपल सेल हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है पारा थायरॉयड हार्मोन, PTH। और ये जो PTH जो है इसका दूसरा नाम है पैरा हार्मोन के नाम पे भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे प्रकार के भी सेल होते हैं, देखिए अभी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, फिर मैं हिस्टोलॉजी का स्लाइड है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, दूसरे प्रकार के जो सेल होते हैं पैराथायरॉयड में, उसका नाम होता है ऑक्सीफिल सेल, ठीक है। और ये जो सेल हैं इसका जो काम है ऑक्सीपिल सेल का, तो फंक्शन ऑफ द अदर काइंड ऑफ सेल कॉल्ड पे इज नॉट नोन। इसका क्या काम है वो अभी ठीक तरह से जाना नहीं गया है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाउएवर इट प्रेजेंस क्लियरली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पैराथायरॉयड ग्लैंड हिस्टोलॉजिकली ड्यू टू इट्स यूनिक स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जब हिस्टोलॉजिकली जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का स्टडी करना होता है, ठीक है, तब क्या है कि ये जो ऑक्सिफिलिक जो सेल है ये बहुत अच्छे से स्टेन हो जाते हैं। तो जब स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऑक्सिफिलिक जो सेल है वो इजिली विजिबल है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है ना, तो उसमें वो मदद मिलती है ये सेल, क्योंकि इजीली स्टेन हो जाते हैं इस वजह से। फिर देखिए, और जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो ऑक्सीफिल सेल हैं वो ज़्यादा मात्रा में एक्सेस PTH जो है पैराथायरॉयड हार्मोन उसका सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो फिगर है इसमें भी आप देखिए, देखिए ये जो है, फटाफट नाम ही पढ़ लेना है, ठीक है। राइट सुपीरियर पैराथायरॉयड, राइट इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिर ग्रीन कलर में अलग से दिखाया है, लेफ्ट सुपीरियर, फिर लेफ्ट इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। और यहाँ पे देखिए है ना, ये जो है हमारा नेक जो है उसमें, अगर ये हमारे बॉडी का डोर्सल व्यू हम कह सकते हैं, तो उसमें देखिए आप नेक रीजन में थायरॉइड के पीछे की ओर है ना पैराथायरॉइड। और अब इन्हीं को देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ठीक है, तो जो हिस्टोलॉजी का जो स्लाइड है वो किस तरह से दिखेगा, तो वो देखिए आप, नाम लिखा है पैराथायरॉयड लेफ्ट में, ये पैराथायरॉयड नाम लिखा है यहाँ पे, और क्या क्या है इसमें, तो वेन्यूल है, ब्लड कैपिलरी है, आर्टेरियोल है, फिर चीप सेल है, देखिए आप चीप सेल कहाँ पे बताएं, और फिर दूसरे वाले ऑक्सीफिल सेल, यहाँ पे भी आप देखेंगे, देखिए ये जो है फिगर, क्या थायरॉयड और पैराथायरॉयड, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो थायरॉयड ग्लैंड है, राइट साइड पे क्या पैराथायरॉयड, दोनों इकट्ठा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दिखाया है। तो यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड वाला जो पार्ट है उसमें देखिए फॉलिकुलर सेल, फिर पारा फॉलिकुलर सेल, इसकी तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बीच में क्या है, बीच में कैप्सूल है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये पैराथायरॉयड का, ये वाला जो है थायरॉयड का पार्ट है, फिर इनके बीच में ब्लड वेसल भी है, फिर यहाँ पे आप देखिए पैराथायरॉयड वाला जो पार्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड वाला, तो उसमें आप देखिए चीप सेल जो है वो कहाँ पे है, ऑक्सीपिल जो सेल है वो कहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। फिर ब्लड वेसल देखिए आप, यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाई है इस तरह से। और ये जो फिगर है इसमें भी आप देखिए, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड दिखाई है, और आप देख सकते हैं लेफ्ट सुपीरियर पैराथायरॉयड, लेफ्ट इंपीरियर पैरा थायरॉयड, ये हमको दिख रही है ना। चलिए पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से, ये फिगर जो है इसमें भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी
देखिए इस तरह से पैराथायरॉयड ग्लैंड बताइए, यहाँ पे देख लीजिए कैपिलरी पैराथायरॉयड सेल, सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, फिर ऑक्सिपिल सेल बताए, है कि नहीं? अब देखिए जो प्रिंसिपल सेल है ना उसी को तो चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है, उन्हें प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा है, प्रिंसिपल सेल एंड ऑक्सिपिल सेल कंसिडर दी एपिथेलियल सेल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो एपिथेलियल सेल है वो कौन से हैं, प्रिंसिपल सेल और ऑक्सिपिल सेल्स ही हैं, ठीक है? ये देखिए फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ ह्यूमन पैराथायरॉयड ग्लैंड, हिस्टोलॉजी का स्लाइड है, ठीक है? इसमें देख सकते हैं आप प्रिंसिपल सेल कहाँ पे है, ठीक है? फिर देखिए ऑक्सिफिल सेल, फिर प्रिंसिपल यानी फिर से चीफ सेल है, ठीक है? फिर बीवी, बीवी का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, बीवी यानी ब्लड वेसल। फिर सीएपी, सीएपी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कहाँ पे है, ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल कहाँ पे होती है, सीएपी, ठीक है? फिर एसी, एसी क्या है, एडिपोस टिश्यू के सेल है ना, एडिपोस सेल्स, ठीक है? तो पूरा जो फिगर है मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, और ये जो नाम है ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ये आप पढ़ लेना, ठीक है? ये स्लाइड के बारे में मेन तो जो सेल है वही है ना। फिर यहाँ पे ये जो हिस्टोलॉजी का स्लाइड है इसमें भी आप देख लीजिए थायराइड और पैराथायराइड दोनों का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, थायराइड वाला पार्ट, फिर बीच में क्या है कनेक्टिव टिश्यू आ जाती है थायराइड पैराथायराइड के बीच में, फिर पैराथायराइड है ना। और पैराथायरॉयड में आप देखेंगे पैराथायरॉयड में कौन से सेल हैं, तो चीप सेल दिख रहे हैं, फिर कैपिलरीज, फिर ऑक्सिफिल सेल, ठीक है? इस तरह से तो सारे नाम देखिए आप, फिर से थायरॉयड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है? तो देखिए लेफ्ट साइड पे थायरॉयड, इसमें आप देख सकते हैं फॉलिकल विद कोलोइड, फॉलिकुलर सेल, कनेक्टिव टिश्यू, सेप्टम, और यहाँ पे आप देखेंगे चीप सेल, ऑक्सिपिल सेल, ब्लड वेसल, है ना? तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है जो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में था, ये लेक्चर अब यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।